पता नहीं कुछ दिनों से ये सुपर हीरो मूवीज की वाइब लग नहीं रही है। काफी सारी अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज आने वाली हैं, बट ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट सी फील नहीं हो रही है। अब ऐसी बात नहीं है कि मेरे को उन्हें देखने का मन नहीं है, बट वो फ्रेश फील नहीं आ रही है। तो मैं अपनी इसी परेशानी को दूर करने के लिए जर्नल बनाना शुरू किया कि किस चीजों को लेकर मुझे एक्साइटमेंट है और किन मूवीज को लेकर मुझे एक्साइटमेंट नहीं है। पहले कुछ रीजंस मुझे ये पता चले कि 2020 में ज्यादा कुछ हमें मन की सुपर हीरो मूवीज देखने को नहीं मिली, उसके साथ जो अलग अलग जॉनर की मूवीज थी वो भी डिले होती चली गई। तो अपना ये टाइम पीरियड हमें बहुत कुछ सोचने को देता है। जैसे कि एमसीयू के खड़े होने से पहले अपनी सुपर हीरो इंडस्ट्री क्या थी? ऑलमोस्ट सभी सुपर हीरो मूवीज एज अ स्टैंड अलोन पिच करके बनाई जाती थी। डिस्ट्रक्शन मूवीज तो पहले भी बना करती थी, उसमें कोई नई बात नहीं है। मगर ये मसीहा यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट अभी आया कि हम एक पूरा सुपर हीरो यूनिवर्स बनाएंगे, पूरी सुपर हीरोज की एक टीम होगी जो एक गैलेक्टिक लेवल थ्रेट को अर्थ पे हराएंगे। और इन्हीं सारी बातों के साथ एक बात आती है सिमिलर स्टोरी लाइंस की। ऑलमोस्ट मोर देन मेजोरिटी ऑफ सुपर हीरोज की कहानी होती क्या है? आज के टाइम में काफी सिंपैथिक सुपर विलियंस आना शुरू हो गए हैं। हम उनकी बैक स्टोरी देखते हैं, जानते हैं कि वो क्यों बुरा बने, क्या सिनेरियोज थे, उनके क्या मकसद थे। इसके अलावा सिटी वाइड डिस्ट्रक्शन होते हैं, हजारों सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में पड़ती है, ब्रह्मांड और इस धरती की किस्मत दांव पे लगी हुई है। ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो मूवी एक पॉपकॉर्न मूवी बनती चली जा रही है। जैसे कि 2002 की हल्क मूवी भले ही लोगों को पसंद नहीं आई, मगर वो अपने आप को एक आर्टिस्टिक रूप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। और ठीक यही बात वॉचमैन में भी है। ये मूवी काफी सीरियस टॉपिक्स के साथ डील करती है और ये बिल्कुल भी फनी बनने की कोशिश नहीं करती है। सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 अपने अंकल बेन के कोट पे ही स्पाइडरमैन की जिंदगी को रिप्रेजेंट करती है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। With great powers comes great responsibilities, जहां पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन बनने की वजह से ही सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा है। नौकरी चली गई, छोकरी चली गई, उसका दोस्त भी चला गया, उसकी पावर्स भी चली गई, यहां तक कि कॉलेज के ग्रेड्स भी चले गए। कैरेक्टर अपनी ओरिजिन के बाद भी अपनी दूसरी पिक्चर में भी इवॉल्व कर रहा है। और इस बात के साथ अपना अगला पॉइंट आता है, कैरेक्टर्स आर नॉट इवॉल्विंग। अब मेरी इस बात का कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, मेरा ये स्टेटमेंट मैंने अपने स्टैन ली जी की वजह से ही लिया है, क्योंकि उन्होंने एक कोट कहा था, द इल्यूजन ऑफ चेंज। सुपर हीरोज भले ही कुछ और क्यों ना दिखने लग जाएं, उनके विलन्स बदल जाएं, उनके कहानी को दिखाने का तरीका बदल जाए, वो मरे क्यों ना जाएं, मगर वो अब भी वैसे ही रहेंगे जैसे उनकी ओरिजिन में उन्हें डिफाइन किया गया था। वो फिर वही लोगों के चहेते बन जाएंगे, दुनिया को बचाने वाले सुपर हीरोज बन जाएंगे, ठीक जैसे उन्हें बनाया गया था। और ये सारी कहानी दिखाने के बाद भी अपना कैरेक्टर फिर से वही रीसेट हो जाएगा जैसे उसकी परेशानी और पर्सनैलिटी हुआ करती थी। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब से ये सुपर हीरो यूनिवर्स वाली कहानी शुरू हुई है, कैरेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बदलाव सिर्फ उनकी ओरिजिन स्टोरी में ही आए हैं। टोनी स्टार्क को रियलाइज हुआ तो उसने अपने वेपन्स डिवीजन को बंद करा दिया, वो अपने डिस्ट्रॉयर से सेवियर बन गया। डायना को ये रियलाइज हुआ कि एरिस को मार देने से उसकी परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी, जो उसकी जिंदगी भर का मकसद वही पूरा नहीं हो पाएगा। थॉर एक एरोगेंट गॉड हुआ करता था, मगर जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने अर्थ के लिए अपना एरोगेंस छोड़ दिया। और ये सारे कैरेक्टर्स के बड़े बड़े बदलाव हमें इनकी ओरिजिन्स में ही देखने को मिले हैं, मगर अब भी इंडस्ट्री इन कैरेक्टर्स से पैसे कैसे कमा रही है? तो इसका सिंपल और सटीक आंसर यही है कि जनता को चेंज का इल्यूजन दिखाओ, जैसे स्टैनली ने कहा था। सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में भले ही मर जाता है, बट इट्स एन इल्यूजन। हम ठीक इसकी नेक्स्ट ही मूवी में से दोबारा जिंदा होते देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका भले ही अपनी पहली मूवी में एक कुपोषित शख्स से एक दमदार मर्द बन गया हो, एक लिटरल सुपर हीरो, अपनी करीबी दोस्तों को खो देता है, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है, बट जो चेंज हुआ बस यहीं तक था। इसके आगे की मूवी बहुत अच्छी है, जो हमें हाइड्रा के करप्ट सुपर हीरो जियोपॉलिटिक्स गवर्नमेंट के बारे में दिखाती है, मगर इस मूवी में बस सरप्राइजेज ही थे। उसका दोस्त वही वापस आ जाता है, आगे हाइड्रा नाजी है तो भाई मारो उसको, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस सरप्राइजेज हैं। या फिर कोई सीन उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाता जितना अच्छा फर्स्ट एवेंजर मूवी का यह सीन दिखाता है। तो कई सारे मेजर रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि कैरेक्टर्स एज अ शैडो ऑफ इल्यूजन में रहने की वजह से इनकी अपकमिंग सीक्वल्स में कोई इंप्रेसिवनेस नहीं दिखती, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ना देखने को मिले। थॉर की जिंदगी में उसका सब कुछ अपना छिन गया है, मगर अभी वो एक मस्त मौला है। इधर एक लड़की रिजेक्ट कर दे, दो दिन पानी नहीं उतरता है मुंह से। अब इसी बात के साथ अपना एक अगला पॉइंट आता है, हायर द स्टेक्स। शुरू में हमने देखा कि लोग खतरे में थे, फिर शहर खतरे में आया, फिर अर्थ खतरे में आया, फिर उसके बाद पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खतरे में आ गया। बट अब आगे क्या? और आई एम श्योर कि कॉमिक बुक्स में से इसके आगे भी कई सारी कहानियां हैं जो हमें एंटरटेन करेंगी, मगर एज अ बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जितना ये अपने खतरे को लेकर बड़े होते जाते हैं, रिलेटिबिलिटी कम होती जाती है। पूरा एक यूनिवर्स तबाह हो जाए, किसी को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जब कहानी पर्सनल हो जाती है, अपने किसी करीबी को खतरे में आ जाता है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगता है, तब वो दिल पे फील होता है।
और इस बात का बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपने दी इनक्रेडिबल्स आते हैं। इस मूवी में भी सिटी वाइड डिस्ट्रक्शन है, लोगों की जाने खतरे में आ जाती है, मगर जब सिंड्रोम जैक जैक को किडनैप कर लेता है तब वो जाके बड़ा थ्रेट मालूम होता है, क्योंकि बच्चों की इनोसेंस रिलेटेबल होती है, बच्चों से अलग प्यार है अपने को। और एमसीयू की गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ती है, क्योंकि भाई हम इंटरगैलेक्टिक थ्रेट से क्या ही रिलेट कर पाएंगे, वो बुरा है और क्यों बुरा है, बस बुरा है। मगर जब मूवी अपनी इमोशंस को लेकर पर्सनल होने लग जाती है तब जाके फील होता है। मगर इसके बाद भी मूवी अपने फाइनल एक्ट वाले फॉर्मूला को छोड़ती नहीं है। ये काफी एक बड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी वाली संभावना बनी रहती है कि एक सुपर हीरो या फिर वो इसकी एक टीम एंड में लड़ेगी, डिस्ट्रक्शन होगा और साथ में कोई एक बीच का रास्ता निकल ही आएगा। कभी कभी हैप्पीली आ जाता है तो कभी कभी सैडनेस में। हर एक सुपर हीरो अपना फाइनल एक्ट तो दिखाती ही है, और हमेशा बात सुपर हीरोज की नहीं है, अलग अलग जॉनरा की पॉपकॉर्न मूवीज ये सब काम करती हैं। मगर कुछ मूवीज हैं जो सुपर हीरो मूवीज के टिपिकल क्लाइमैक्स वाले फील से भी हटके कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, और मार्वल डीसी दोनों में ये बात है, मगर वो ओवरऑल अपनी मूवीज से एक्सपेरिमेंटल नहीं लगती हैं। और मैं कैरेक्टर्स के डायनामिक्स में चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर फॉक्स फिर भी ओवरऑल सुपर हीरो कैरेक्टर्स के साथ काफी कुछ अच्छा किया करता था। अब भले ही उसकी कुछ मूवीज उतना अच्छा फील ना करा सकी, मगर वो अपनी मूवीज के साथ एक्सपेरिमेंटल रहा है हमेशा से ही। उसने कुछ सुपर हीरोज को बैड एस दिखाया तो उसने कुछ हॉरर भी दिखाया, कुछ को आर-रेटेड बनाया तो कुछ को फैमिली फ्रेंडली भी बनाया, उसने सुपर हीरोज को डिप्रेशन को दिखाया तो उसने उन्हें फन भी दिखाया। अब भले ही क्या हुआ इनमें से उतना सब अच्छा परफॉर्म ना कर सकी, मगर कम से कम उन्होंने हर बार हमें कुछ नया दिखाने की कोशिश तो की। अब देखो मैं इधर किसी भी मूवीज को बुरा कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद देखना पसंद करता हूँ, मगर अब वो सीक्वल्स वाली फील नहीं आ रही है, क्योंकि सुपर हीरो मूवीज ऐसी होती जा रही है कि बस देखो मजे लो और भूल जाओ, क्योंकि यह सारी कुछ छोटी मोटी पिक्चरें तो है नहीं। 250 मिलियन की पिक्चर होती है तो 100 मिलियन की मार्केटिंग होती है, मगर फिर भी मैं इन्हें देखना पसंद करता हूँ। और आगे भले ही सुपर हीरो मूवीज की वजह से इंडस्ट्री स्टफ्ड फील क्यों ना होने लगे, मगर फिर भी हमेशा ही कुछ ना कुछ सुपर हीरो मूवीज ऐसी तो आएंगी ही या फिर सीरीज आएंगी और इस बार हमें इंप्रेस करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इनका काम ही यही है। इसके अलावा आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।